ठाकुर द्वारा CHC अस्पताल में झगड़े को लेकर। हाँ भैया, तिल का निशान है भैया, ये है जी जी जी। रही सर, ये आपके साथ है? हाँ भैया, कुछ बता पाएंगे कैसे हुआ विवाद, झगड़ा किससे किससे हुआ? रास्ते के विवाद में किससे हुआ? रामपाल सिंह, दिनेश, मेघराज, कपिल, विवेक, दीपराज। देखिए, जान से मारने की कोशिश। हाँ, जान से मारने की कोशिश गंडासी द्वारा। आप कौन हैं इनके? मैं चाचा हूँ इनका। आप चाचा हैं इनके? जब इनमें विवाद झगड़ा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं मौके पर था, मौके मैं मतलब घर से आया अपने भाग का। इतना उतने उस टाइम चोटिल थे, इन्हें बचाया बीच में चला गया। अच्छा, झगड़ा एकदम किस बात को लेकर के हुआ या एकदम से झगड़ा हो गया? झगड़ा रास्ते में ईंट पत्थर गिर रखे थे उन्होंने जी, और ईंट पत्थर के उन्हें हटाने के मारो कहा इन्होंने, तो जो है उसका वो गंडासी और कुहाड़ी लेकर आ गया। जमीनी विवाद है? नहीं, घर की जगह का विवाद। घर की जगह का विवाद है जी। कब से चल रहा था? कब से चल रहा? एक बार पहले भी पुलिस को सूचित किया गया था, तो जो है थाने में आ गए, ये कह दिया था हम खाली कर देंगे उसे। खाली कर देंगे? हाँ, दबंगई का मामला है। अब आपने खाली कराने के लिए कहा तो? अब ये उसमें रास्ते में निकलने में दिक्कत हो रही थी, सामान हटाने के लिए कहा तो वो बोले गाली गलौज देने लगे, और गाली गलौज में गंडासी और कुहाड़े से इन पर बात कर। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें जो घायल हुए हैं? ये चार लोग हैं सर। और लोग कहाँ हैं? वो लोग अंदर हैं। ये भी इनके साथ मुँह गिरा, खून आने लगा है। देखिए, ये इनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इनको ब्लड आ रहा है मुँह द्वारा, और इनके साथ मारपीट की गई वही धारदार हथियार से? जी हाँ, गडासी और कुहाड़े थे साथ। वो आ रहे हैं सूर्यनगर है एम्बुलेंस से। दूसरी ये है महिला? हाँ, ये है, ये लड़की है, एक लड़का बाहर निकल गया, लेकिन इनको भी धारदार से हमला किया जी, सब कुछ चारों से धारदार से। दमंगों द्वारा जान से मारने की कोशिश, और मैं दिखा रहा हूँ न्यूज लाइव आपको। लड़की के साथ बदतमीजी करी थी, कपड़े सब फटे हुए हैं, देखिए इनके साथ सब फटे हुए हैं सब। कई बार कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, कई बार, यानी तीसरी बार है हमला, तीसरी चौथी बार, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा। कई बार सूचित कर दिया। अब क्या हुआ, आपकी तरफ FIR लिखी गई आपकी? नहीं, अब ये पता नहीं साहब लिखी है या नहीं लिखी, आए तो थे। देखिए यहाँ, देखिए आप किस तरह से हुई मारपीट, क्या आप गंडासी थी, कुहाड़े थे, और सरिये थी, रॉड वे लोहे वाली। तो पहले से ही उन्होंने प्लान बनाया हुआ था? खड़े थे सर, हमें क्या पता, ये सब इंतजामों से है, वे तो पहले से ही खड़े थे, पहले से ही खड़े हुए थे। पहले भी आपका हो चुका है सुनने में, विवाद आपका चलता रहता, तो पुलिस प्रशासन ऐसे में आपका साथ दे रहा नहीं दे रहा? नहीं देता। तो आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई? गुहार के यहीं से है ना, बाद में हाथ जोड़ कर लेते हैं ना, हम नहीं करेंगे। पहले मारपीट नहीं हुई, पहले मारपीट नहीं हुई, इस तरह मारपीट करी तो गुहार भी नहीं लगाई आगे की। लोहे की राड थी और गंडासी द्वारा, छुरियों द्वारा इन पर वार किए हुए हैं, चिंताजनक बनी हुई। और ये देखिए, माता जी को मैं लाइन पे ले रहा हूँ, न्यूज लाइव देखिए। माता जी क्या हुआ? साला पुलिस में है मेरा, उसी के है ना, कुछ नहीं होगा जी। माँ जी बोलिएगा, आप क्या, किस तरह, क्या हुआ, किस तरह से विवाद हुआ?
कान बिल्कुल अलग कर दिया आज भी। आपको आपको भी धारदार हथियार से मारा गया? कान बिल्कुल अलग, आपका कान कान काट दिया बिल्कुल इसने। देखिए पूरी जान से मारने की कोशिश और लोज ना बद्र किया जा रहा है और ऐसे ही दमन गई देखने के लिए मिल रही है। और सुना है कि पहले भी इनमें विवाद चलता चला आ रहा है। साला नौकरी पे है बरेली उसके ऊपर घूम कर आ रहा है। देखिए पीड़ित परिवार का कहना है कि दमन का साला पुलिस प्रशासन में कहीं नौकरी करता है और उसी के बल पे दमंगे के बल पे वो पूरी तरह से दमंगे दिखा रहे हैं। सरकार मारते ही है वे हमें, खत्म करवा देता साला। पहले भी भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा था। चलिए कौन से गांव का मसला? विजयपुर मंडई। विजयपुर मंडई आपका नाम क्या है माजी? मीना देवी। आपका नाम क्या है? सरिता कुमारी। सरिता कुमारी देखिए घायल पीड़ित महिला है ये और इनको जो है जान से मारने की कोशिश क्या नाम है इनका? मुकंदे सिंह जो है इस तरह से पूरी तरह से कान और मुंह से खून आ रहा है और धारदार हथियारों से इन पर वार किया गया है और इनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। देखिए मैं जिला मुरादाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठावा तहसील सगीर रूपचंकी पांडे संवाददाता दिखा रहा हूँ न्यूज़ लाइव। रास्ता में छोड़ रास्ता घेर रखा। आप कौन हैं? आप इनके भाई हैं? जब इनमें विवाद हुआ इनमें झगड़ा हुआ आप कहाँ थे? जंगल में थे साहब। आप जंगल में थे? आपको ये पता लगा कि इनमें झगड़ा हो चुका है? जब तक आप पहुँचे तब तक क्या हुआ? जब तक मारपीट हो गई थी जब हम आए। मारपीट हो गई थी ऐसा सुनने में आया है कि 2-4 बार पहले भी हो चुका है। पहले तो क्या होता था? पहले क्या होता था? हाथ जुड़ाई कर लेते पहले रास्ते के बारे में होया था। तो वो फैसला किस तरह से होता था? किसके सामने होता था? रिपोर्टर आ गए थे तो उसके रिश्तेदार आ गए, उन्होंने हाथ पैर जोड़ कर और हम रास्ता साफ करवा देंगे। चलिए देखिए समाज में इसी तरह से हो रहा है और दमंग अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसी तरह से अत्याचार हो रहा है। ये जुल्मों का शिकार है देश और समाज। हाँ सर इससे सारा है वो कह रहे थे मैं करा दूंगा फैसला, पहले भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं होने दी सर वो नहीं आता। देखिए जिला मुरादाबाद का ये ठाकुरद्वारा तहसील है और ठाकुर तहसील में CHC अस्पताल ठाकुरद्वारा में ये मामला आया है। सुना है जो दमंग परिवार है उसका हालात बरेली थाने में, चलिए जो भी हो जैसे भी हों बहरहाल इसी तरह की घटनाएं आए दिन देखने के नहीं मिल रही हैं और इसी तरह से हो रहा है कि दमंग अपनी दमंगई में किसी को भी जान से मार देते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं और उन पर अत्याचार लगातार हो रहा है और रास्ता घेर के निर्माण कर रहे हैं। रास्ता नहीं छोड़ रहे।